पूरे समय उनका देखने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर एवरी वन फ्रॉम माई एंड फ्रॉम माई फैमिली। आई होप आपका ये ईयर बहुत ज़्यादा अमेजिंग जाए एंड हम जो कोविड सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो भी जल्दी सॉल्व हो जाए एंड सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए। सो न्यू ईयर है एंड मैं आज सच में चाहती थी कि मैं ये वाला दिन व्लॉग करूँ एंड आप लोग के साथ ही सब कुछ शेयर करूँ कि कैसे आप ये ईयर में खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हो, बहुत ज़्यादा एक न्यू स्माइल ला सकते हो, एक न्यू चार्म ला सकते हो। बहुत सारे सपने रेजोल्यूशन रख रखे होंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन आपको ये लेना चाहिए कि आपको एवरी ईयर लेकिन पूरे साल आपको स्माइल करते रहना है, हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है, गुस्सा नहीं करना है। तो मेरा रेजोल्यूशन तो यही है। आप लोग अपना रेजोल्यूशन बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड बाय द वे आज हम लोग थोड़ा बहुत लाइक पार्टी वार्टी करने वाले हैं। पार्टी क्या मतलब, जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे फिर घर पे आ जाएंगे, फिर घर पे थोड़ा सेलिब्रेशन होगा। तो मैं सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। ऑल्सो आज की वीडियो में मैं गिव अवे विनर्स भी अनाउंस करने वाली हूँ, सो वीडियो को एंड तक पक्का से देखना। Look at this yummy plate. तो आज मम्मी ने ब्रेकफास्ट में हम लोगों के लिए छोले भटूरे बनाए हैं। मेरे थोड़े से भटूरे पचक गए क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया नहाते नहाते एंड आज मैं बहुत डीप क्लीनिंग कर रही थी अपने पूरे रूम की, पूरे घर की। दैट्स वाई मुझे नहाने में भी लेट हो गया एंड इसलिए थोड़े से पचक गए हैं। बट स्टिल आई कॉन्ट कंट्रोल माई सेल्फ टू ईट दिस। बहुत ही यम्मी बनाती है मम्मी एंड मम्मी को मैंने कहा था कि ब्रेकफास्ट में तो पक्का से ही बनाना क्योंकि लंच का सीन कुछ ये होने वाला है कि हम लोग मे बी बाहर जाएँ, हम लोग मीन्स मैं और मेरी फ्रेंड, क्योंकि मेरे भाई बहन का कहीं अलग ही प्लान बन गया है। मैं तो चाहती थी कि मैं उन लोगों के साथ जाऊँ एंड पापा का भी कहीं और प्लान बन गया है। मतलब प्लान क्या हो, वो तो ऑफिस में पार्टी होने वाली है। सो चलो मैं जल्दी से इसे खाती हूँ एंड देन इसके बाद मैं जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज मैंने अभी ये मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाया था। ऑलरेडी मैंने कल तो अपनी स्किन बहुत अच्छे से प्रेप कर ली थी बट मॉर्निंग में मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे यहाँ पे चीक्स पे हल्के हल्के पिंपल्स होने के चांसेस हो रहे हैं, तो मुल्तानी मिट्टी फेस पैक उसे कूल डाउन कर देगा। दैट्स वाई मैंने सोचा उसे अप्लाई कर लेती हूँ एंड एक ग्लोइंग इफेक्ट भी देगा। एंड मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा बाहर अपनी फ्रेंड के साथ एंड हमेशा की तरह मैं आज भी लेट हूँ, तो मैं जल्दी से रेडी होती हूँ एंड आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। एंड मेकअप तो मेकअप के नाम पे आज बहुत कम चीज़ें होने वाली हैं। सी द ग्लोइंग इफेक्ट। तो मैंने अपनी क्लोथ्स चेंज कर लिए एंड मैं तुरंत रेडी होना स्टार्ट हो रही हूँ एंड आप लोग के साथ भी अपना क्यूट सा मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर करूंगी। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ एंड मैं निकल रही हूँ अभी जाने के लिए। तो फाइनली मैं पहुँच गई अपनी फ्रेंड के घर एंड ये रही, शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल यार। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम अस टू एवरीवन। तो हम लोग भी जा रहे हैं घूमने अपनी धन्नों के साथ। देखते हैं कि अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, अभी देखते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और हम ही दोनों जाने वाले, और कोई है ही नहीं, हमें कोई कंपनी ही नहीं देने आ रहा है। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं वहाँ पर जहाँ पे भी हम लोग जाएँ। तो संध्या सिंह बन गई है डाकू एंड ये रही हमारी धन्नो, वो रहा हमारा शेरू। तो संध्या ड्राइव करने वाली है क्योंकि मुझे ड्राइव करने का मन नहीं है। शेरू तो आपको मैं मिलवाती अपने शेरू से। शेरू हैप्पी न्यू ईयर कर दो। ओहो इग्नोर।
भाव ही नहीं दे रहा यार। नीचे उतरो फिर मैं बैठती हूँ। चलो लेट्स गो। मैं पता टुकड़ों टुकड़ों में टूटती हूँ। बाय शेरू। गाइस अभी हम लोग साईं मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए। साईं बाबा का दर्शन ले लिया है एंड अभी हम लोग जाते हैं कहीं और ये संध्या सिंह डाकू बनी पड़ी है, वीडियो ले रही है। कैसे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है मंदिर जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड ये रहे हमारी छोटी सी साईं बाबा एंड एक अंदर भी साईं बाबा है। हाँ बोलो बोलो क्या बोलना। नहीं अब सही हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, अभी देखते हैं कहीं घूमते घूमते फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। कॉटन कैंडी, आई एम मिसिंग यू। अभी हम लोग यहाँ रश में फंसे हुए हैं, रेड लाइट में। रेड लाइट हटे तो हम लोग चलें। गाइस हम लोग अभी यहाँ कंपनी गार्डन में आए हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट लेके, फिर टिकट लेके हम लोग जाएंगे पार्क में। एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है सच में और हम लोग मास्क लेना भी भूल गए थे, इसलिए अभी हम लोग मास्क खरीद के तब जाएंगे अंदर। तो अभी हम लोग आ गए हैं कहाँ पर, मोस्ट वांटेड प्लेस पे, अलाहाबाद का कंपनी गार्डन। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, टिकट लेने जाएंगे एंड मास्क लाना एज ऑलवेज हम लोग हमेशा की तरह भूल गए। तो मास्क भी ख़रीदना है, उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। एक्चुअली यहाँ जाने का रीज़न एक ही है कि क्या रीज़न, फोटोज के लिए, बाकी और कोई काम वाम नहीं है। और हम लोग पीछे कितनी ग्रीनरी है, पीछे बहुत ग्रीनरी है और अंदर का व्यू भी मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आ गए सामने देख के सामने से टकरा जा रही में टकरा जाती मैं भी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे और इतनी भीड़ मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखी। Thank you.
लोग पार्क में आ गए हैं। सत्या कुछ कहना चाहती हो? अबे यार घर जाएगा फिर आएगा इतना। सी द ग्रीनरी। मैं बंदर इस जंगल में। बंदर जंगल। पीछे सब इसको बंदर समझ रहे होंगे यहाँ पे जो कपल्स बैठे हुए हैं कुप्चा कुप्चा पकड़ के। ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल जंगल है जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इधर ला ला ला। अभी कांटो में गिरोगी तो ला 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 हो जाएगा। और ये रहे हमारे फ्लावर्स। हम लोग काफी संध्या काफी देर से परेशान है क्योंकि उसकी मनचाही फोटो नहीं आ रही है। उसको यहाँ पे फ्लावर के सामने फोटो लेनी है। हम लोग यहाँ पे तब से बहुत देर से फोटोज ही क्लिक कर रहे हैं क्योंकि जो करने आए वो कर लेना है ना संध्या। वीडियो में हम लोग इतने प्यारे लग रहे हैं लेकिन जैसे ही फोटो आती है पता नहीं संध्या की स्माइल कहाँ गायब हो जाती है। देखो इसके अंदर इतनी अच्छी स्माइल कर रही है। तो हम लोग इस प्यारी सी जगह को अलविदा करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आ नहीं सकते बट आज के स्पेशल डे पे हम लोग यहाँ पे आए थे एंड हम लोगों ने बहुत सारा इन्जॉय किया, बहुत सारी फोटोज क्लिक की। तो अब फाइनली जा रहे हैं घर। घर नहीं, कुछ खाने पीने। But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सन है, पूरा ग्रीनरी है, इसलिए मुझे यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड क्योंकि इलाहाबाद में शायद ही यही एक जगह है, यही नहीं मतलब है बहुत सारी जगह हैं बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। हर तरफ आप देखोगे ना सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी। बाय द वे संध्या आगे आगे चल रही है क्योंकि वो बोलती कि हम मुझे तुम्हारे ब्लॉग में नहीं आना, मैं बोर हो गई हूँ। Sometimes everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gone, Sandhya, Sandhya, अपना दिखाओ. So we are eating burger. And this street food is very yummy burger. So finally, अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे. Sandhya. बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाया आज, कुछ भी लाइक उधर का नहीं खाया। तो अब हम लोग घर जाएंगे एंड घर जाके थोड़ा सा जितना भी मैं ब्लॉग कर पाऊँ फिर बांध लो। सी यू लेटर। लुक एट दीस यमी यमी बंस। दी क्या बना रहे हो आप? आप इतनी इज्जत। क्या बना रही है तू? बता बता क्या बना रही है? शी इज मेकिंग बर्गर, यमी यमी होममेड बर्गर जो कि केएफसी से भी, केएफसी सॉरी मैकडॉनल्ड से भी है। जहाँ बार बार जाती हूँ थोड़ा नाम भी याद कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा। सो आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया एंड आप लोग का अच्छा दिन भी जाए इसलिए मैं आज के वीडियो में गिव अवे विनर्स अनाउंस करने वाली हूँ। सो मैं रैंडमली नेम बता देती हूँ, ऐसा कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइड नहीं हुआ है। मैं सेलेक्ट करने बैठी थी, एक्चुअली मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था बट मैं एक बार फिर भी फाइनलाइज करना चाहती थी कि उन्होंने वीडियो पर कॉमेंट किया है कि नहीं। एंड जो भी मैंने गिव अवे विनर्स सेलेक्ट किए हैं ऑन द बेसिस कि वो लोग मुझसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, लाइक मोर देन ईयर आप कह सकते हो या फिर 6 to 7 मंथ से जुड़े हैं, तभी मैंने उनको
विनर्स चूज़ किया, और ऐसा है नहीं कि अगर आप जीते नहीं हो तो इन फ्यूचर आप जीत नहीं सकते हो। डेफिनेटली मैं फ्यूचर में बहुत सारे गिव अवे करने वाली हूँ हर मंथ में। सो गिव अवे विनर्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। फर्स्ट विनर है होमली टिप्स बाय प्रिया, इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। सेकेंड है महनूर अकबर, थर्ड है सिमरनजीत कौर, ये भी मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करती हैं। एंड फोर्थ विनर है फामिदा, फिफ्थ विनर है एंजल डॉली, अगेन ये मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रही है, लाइक एक साल से भी ज़्यादा हो गया इन्हें मुझे फॉलो करते हुए। एंड मैंने एज प्रॉमिस्ड इन माई अर्लियर वीडियोज़ कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक एक्स्ट्रा विनर रखूँगी, तो यहाँ पर मैंने एक इंस्टाग्राम पे PS वर्ल्ड फैन पेज था जो उन्होंने सितंबर में आईडी बनाई थी, तो मैं एक स्मॉल टोकन ऑफ लव उनको देना चाहती हूँ एंड मैं उनको भी एकदम अच्छा सा गिफ्ट दूंगी, सो डोंट वरी। सो आप लोग सब लोग अपनी डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर तो मेल कर दीजिए मेरे मेल आईडी पे, मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे। एंड प्लीज़ नाराज़ मत होना अगर आप इस बार नहीं जीते हो, पक्का से मैं हर मंथ गिव अवे करूँगी एंड बहुत सारे गिफ्ट्स आपको दूंगी। एंड आई होप आपको बहुत खुशी हो रही है कि गिव अवे विनर्स जान के। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।